समय और शब्द, इन दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ कतई ना करें, क्योंकि ना तो ये दोनों दोबारा से आते हैं और ना ही फिर दोबारा मौका देते हैं। इसलिए सावधान रहें, किसी से कुछ बोलें तो सोच समझ कर, और टाइम अगर बर्बाद कर रहे हैं तो संभल जाएं, क्योंकि दोबारा नहीं आएगा ये टाइम। कभी सोच के देखो यार, आज 27 फरवरी 2020 अगर बीत जा रही है, लाइफ में कभी भी 27 फरवरी 2020 नहीं आएगी। हाँ 21 आएगी, 28 आएगी, 45 आएगी, लेकिन 2020 में कभी फरवरी नहीं आएगी फिर, और डेट वही आए। तो इसलिए आज ऐसा कुछ करके जाओ कि याद रहे। हाँ कुछ अच्छा करो। चलिए, हर एक पल जो है वो बीत रहा है, सुई उल्टी चल रही है। कक्षा 6 की मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट 12 आज पढ़ेंगे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था, यानी कि विभाज्यता नियम पढ़ चुके थे। विभाज्यता नियम में 11 का विभाज्यता नियम हमने नहीं पढ़ा था, बाकी 10 तक पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करके बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, पार्ट 11 ए देख लेना। आज 11 का विभाज्यता नियम देखने के बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। कोई संख्या 11 से कटेगी ये कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए क्या करते हैं साथियों, दी गई संख्या में इकाई अंक से लेकर के, मतलब दाहिनी तरफ से बाईं तरफ तक काउंटिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर सम स्थानों के अंकों का जो योग है उसको जोड़ करके विषम स्थानों के अंकों के योग से क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो इसमें 8 अंक है ना, 8 है। तो सम कौन कौन सा है भाई? देखो जैसे मैंने ये लंबा वाला एरो बना दिया, ये सम संख्याएं हैं, बोलो ये सम है ना, ये सम है। विषम कौन सी है जिसमें मैंने माइनस बना दिया, ये लो ये विषम है। तो ये रूल क्या कहता है आपके सामने दिख रहा है, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसके इकाई अंक से बाईं तरफ चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या फिर 11 का गुणज आए। चलो देखते हैं, पहले लिख लो भाई साहब क्या लिखना है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान पे कौन कौन सा है, देखो 2 नहीं लेना, नहीं तो ये 2 ले लो, ये 4, 6 ले लो, ऐसे नहीं लेना है। 2 के स्थान पे क्या है इसमें, 4 ना, तो ये हो गया 4। अब दूसरा सम अंक 4 है, 4 के स्थान पे क्या है, 3, और तीसरा 6 है, 6 के स्थान पे ऊपर क्या है, 2, और फिर 8 है, 8 के स्थान पे ऊपर 2 है, इनको जोड़ लो तो 4, 3, 7 और 4 हो जाएगा 11। विषम स्थान वाला जोड़ो ऐसे, ध्यान समझना। अरे ये मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा लंबा लग जाएगा, अगर आप खुद से करोगे तो जल्दी हो जाएगा बाबू साहब, ठीक ना। विषम वाले में क्या करोगे यार, चलो पहला देखो 5, फिर 3 के सामने क्या है, 2, फिर क्या है 3 के बाद, 5 के सामने 1, फिर 7 के सामने क्या है, 3, बस खत्म। तो 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, यानी दोनों का जो योगफल आया वो 11 आया। अगर इसे हम घटाएंगे ये फार्मूला लगा करके, तो 11 से 11 घटाओगे क्या आएगा, 0 आया ना। और ये कहता है कि यदि इनका जो लास्ट में दोनों का योगफल करने के बाद विषम स्थानों के अंकों का योग या फिर सम स्थानों के अंकों का योग दोनों घटा दें आपस में से, तो या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो संख्या 11 से पूरी तरह से कटेगी। देखो 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन 11 का गुणज का मतलब क्या होता है वो समझ लो। 11 का गुणज का मतलब जैसे घटाने के बाद यहाँ पर जो 0 आया वो 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 44 आ जाता, या 33 आ जाता, 110 आ जाता, मतलब ऐसी संख्या जो 11 से कट जाती तब भी वो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी कि दी गई ये संख्या जो है ये 11 से विभाज्य है। चलो अगला वाला ट्राई कर लेते हैं, भाग दे के देख लेना। इसमें भी सम और विषम स्थान करोगे तो भाई चलो सम स्थान वाला निकाल लेते हैं। पहले देखो 4 है, 4, 8, 9, 8, 8, 16, 1, 17 होता है ना, तो लेकिन ये कौन सा स्थान मैं ले रहा हूँ ध्यान देना, पहले 1 होगा फिर 3 होगा, ये विषम वाला ले रहे हैं ना। चलो ठीक है,
पहले सम वाला लेंगे लेकिन हम, तो ये लेंगे पहले तीन, अब ये दो पाँच और ये छः, का हो जाएगा छः ग्यारह, हाँ तीन दो पाँच छः ग्यारह, ये सम वाला हो गया। ठीक, विषम वाले पे आ जाओ तो चार चार आठ नौ सत्रह, सत्रह पाँच कितना हो जाएगा, अरे भाई सत्रह तीन बीस दो बाईस, विषम वाला कितना हो जाएगा बाईस। देखो इनका अंतर करोगे तो क्या होगा, सम विषम वाले, बाईस में से ग्यारह घटाओगे ग्यारह आएगा, तो क्या ये संख्या ग्यारह से विभाज्य होगी, क्योंकि वो तो ग्यारह आ रहा है उसका अंतर, बोलो यस या नो, होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है कि जो घटाने के बाद आएगा फाइनल में या तो जीरो आए या फिर ग्यारह आए, बाईस आए, तैंतीस आए, चौवालीस आए, मतलब ऐसी संख्या आए जो ग्यारह से पूरी तरह से कट जाए। तो ये थी पूरी कहानी इसका जो आप समझ गए। इसके बाद चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो धीरे चल रहा है तो थोड़ा वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए और देखिए। और हाँ, अगर आप इसे YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं, क्लास को ज्वाइन नहीं किए ना बाबू, तो आज ही ज्वाइन कर लें। PVR स्टडी ऐप बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पर है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी और वहाँ पर पूरा कोर्स मिलेगा। नहीं तो YouTube पर पूरा कोर्स मिलेगा आपको ये कोई पता नहीं, हाँ लेकिन ऐप में अगर आप करोगे तो मिलेगा पूरा, ये गारंटी होगी। ऊपर नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, इस पर आप संपर्क करें और पूरी प्रक्रिया समझें, ठीक ना। चलिए अब हम एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं। अभ्यास नंबर हमें कौन सा करना है, 3.3, एक्सरसाइज 3.3, क्लास 6 का मैथ है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, NCERT बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। जिनके पास बुक नहीं हो ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन को, कॉपी पेन तो लिए हो ना। और हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कॉपी पेन लेके क्लास देखा करो। दूसरी बात, वीडियो कोई भी यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं करेगा। अगर आप डाउनलोड करोगे तो फिर हम इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे नहीं देंगे आपको, फिर आप कोई नहीं क्लास पाओगे। इसलिए आप ऑनलाइन देखिए, बिल्कुल आपको फ्री क्लास मिलती रहेंगी लेकिन आप इंटरनेट से ऑनलाइन देखिए। विभाज्यता नियम की जाँच, पहला क्वेश्चन सुनो। विभाज्यता की जाँच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य हैं, तीन से विभाज्य हैं, चार से विभाज्य हैं, पाँच से विभाज्य हैं, छः से विभाज्य हैं, सात से, आठ से, नौ से, दस से, ग्यारह से विभाज्य हैं या नहीं है। देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, इन बात को आप लिख लेना जो मैंने बोला है, वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लेना, इसको लिखना है ऊपर हेडिंग और मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ। देखो जिन लोगों ने तो पिछला क्लास देखा होगा उनको तो आ जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा था ना उनको थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सारा क्लास एक तरफ से देखो, रेगुलर देखो, कोई क्लास मिस ना होने पाए, ठीक ना। चलिए, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य होंगी, कौन कौन सी तीन से, चार से, सब में हाँ या नहीं लगाना है, ध्यान देना। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन कौन दो से विभाज्य हैं, कौन कौन तीन से, कौन चार से, कौन पाँच से, हाँ या नहीं करते जाओ बस। जैसे अगर 128 दो से विभाज्य है तो लिख दो हाँ, ठीक। 128 तीन से विभाज्य होगी क्या? विभाज्य का मतलब होता है यार ऐसे भाग करने पे कट जाए और जीरो से इस फल आए। ये देखो जैसे तीन से भाग किया, तीन चौक बारह, घटाने पे देखो ये जीरो आ गया, आठ आया, तीन दूना छः, घटाने पे देखो दो से इस फल आ गया, जीरो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये तीन से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो क्या करेंगे, तीन के नीचे नहीं, अभी 128 केवल देख रहे हैं, मैंने दो से देखा, तीन से देखा, आप चार से देखोगे, फिर पाँच से, छः से, सात से, आठ से लेके ग्यारह तक ऐसे देखोगे, उसके बाद 990 को ट्राई करोगे, सब में हाँ या नहीं बताना है, फिर 1586 को, फिर 275, 666, ऐसे ऐसे सभी को ट्राई करना है। और उन लोगों को ये आएगा जिन लोगों ने विभाज्यता नियम पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उन लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा। तो वो PVR स्टडी का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उसमें पार्ट 11 ये देखेंगे, ठीक ना। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए नंबर पे संपर्क करें। चलिए साथियों, 128 दो से कटेगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है, दो के विभाज्यता नियम के अनुसार पक्का कटेगा। ये जो तीन से कटने की बात है ये पूरा नहीं करता कंडीशन, क्योंकि जोड़ने के बाद इनका योगफल जो है 11 आता है, 11 तीन से नहीं कटेगा। चार से कटने की बात रही, चार से कटने की कंडीशन ये होती है कि कोई संख्या चार से तभी कटेगी यदि उनके इकाई और दहाई के अंक को मिला करके बनी संख्या चार से कटे, मतलब 28 चार से अगर कटेगी तो पूरा कटेगा, संख्या कटेगी, सिंपल सी बात है इसका मतलब,
हाँ हो जाएगा। पांच से विभाज्यता नियम हमने पढ़ा था कि कोई संख्या पांच से तभी कटेगी जब उसका अंतिम अंक जीरो या पांच हो, तो ये पक्का नहीं कटेगी। नहीं, छह से कटने के लिए संख्या दो और तीन दोनों से कटनी चाहिए, तो जब अगर तीन से नहीं कट रही इसका मतलब छह से पक्का नहीं कटेगी, है ना। सात से कटने के लिए शायद हमने आपको रूल नहीं पढ़ाया था साथियों, लेकिन सात वाला पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना वो जोड़ना घटाना वाला, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो इसमें क्या करोगे, ये सात से भी नहीं कटेगी। आठ वाले में भी मैंने आपको बताया था इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक मिला करके बनी संख्या अगर आठ से कटेगी तो पूरी संख्या आठ से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। और 128 देखो आठ से कटेगी, इसका मतलब हाँ। नौ से कटने की कंडीशन होती है कि योगफल जो है वो नौ से कटना चाहिए, तो भाई ये नहीं कटेगा नौ से, जब तीन से नहीं कटा तो फिर नौ से नहीं कटेगा। दस का कोई इसमें जुगाड़ ही नहीं है। ग्यारह से कटने के लिए वही सम विषम वाला जो सिस्टम बताया था लगेगा, लेकिन इसमें होगा ही नहीं, तो 11 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से इसमें आपको सभी में हाँ या नहीं भरना है। आप लोग कमेंट करके फटाफट बताओ, अब मैं सब नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कर ले जाओगे, है ना जी, कर ले जाओगे कि नहीं। चलो ठीक है, एक आध दो में बता देता हूँ आसान आसान। दो से कटने के लिए 990 पक्का कटेगा, यस वाई लिख देता हूँ हाँ के लिए, चलो ठीक है पक्का कटेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जीरो है। दो से देखो कौन नहीं कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट फाइव है और जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए दो से नहीं कटेगी। ये भी कटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, लगभग सब कटेगा। ये नहीं कटेगा चूँकि इसका लास्ट डिजिट नौ है, ठीक ना। बाकी ये सभी जो हैं वो दो से कटेंगी, सभी दो से कटेंगी। तीन से कटने के लिए आपको जोड़ के ट्राई करना होता है, तो भाई इसको जोड़ोगे 9 9 18 होगा, तो ये भी बैठ रहा है सही, यस। इसको देखो जोड़ लो 8 6 14 14 5 19, एक 20 हो जाएगा। तीन से नहीं कटेगा, कतई नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा ये 9। तो इस तरह से आपको ट्राई करना यार, विभाज्यता नियम मैंने पढ़ा दिया, आप कर लेना। विभाज्यता नियम नहीं पढ़े होते तो मैं बता देता, ठीक ना। हर एक को करना है और कमेंट करना करके फटाफट, पूरा बना के इसको व्हाट्सएप पे भेजना। जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया चेक किया जाएगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो क्लास को ज्वाइन कर लें। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय याद रखें, फ्री वाली क्लास हर दिन सुबह 7 बजे से होती है PVR स्टडी प्रयागराज पर। ये फरवरी 2020 की अपडेट है। अगर टाइम अपडेट किया जाएगा तो आपको ऊपर वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा, ठीक ना। उस पर आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो ऑफिशियल टाइम में। तो साथियों, NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 6 की गणित का क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, एक्सरसाइज 3.3, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.3 NCERT की बुक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विभाज्यता नियम की जांच के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। एक बार शुद्ध रूप में फिर से पढ़ लो बुक में क्या लिखा है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में भी बता दूंगा। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें का 572, ये 4 से विभाज्य है या 8 से विभाज्य है या दोनों से विभाज्य है। तो विभाज्यता नियम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक ना। और ये है 72 63 52 दूसरा वाला। तो देखो यार, 4 का विभाज्यता नियम हम सभी ने पढ़ा था कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को बनाकर बनने वाली संख्या 4 से पूरी तरह से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो क्या करोगे, 72 कटेगी 4 से, इसलिए क्या करोगे, लिख दोगे 4 से पूर्णता विभाज्य है, ठीक ना। 4 से पूर्णता विभाज्य है। 8 से क्या होगा, 8 से तब कटती है जब तीनों अंकों से मिलकर बननी संख्याएं 4 8 से कटे तब। तो देखो 8 से कटेगी, 8 7 56 12 नहीं कटेगी, इसका मतलब 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं। यानी ये 4 से तो कटेगी बट 8 से नहीं कटेगी। दूसरे में क्या है, इसमें देखो 4 से कटेगा 52, कटेगा शायद ना, बताओ
सोलह तीन अड़तालीस, सोलह चौका चौंसठ होता है, चार एकम चार, चार तीन बारह, तेरह चौका बावन, कटेगा। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, चार से ये पूर्णतः विभाज्य है, आठ से कटेगी कि नहीं उसके लिए आपको पूरी संख्या तीन अंक मिला करके देखना होगा, क्योंकि आठ का विभाज्यता नियम आपको आना चाहिए। तीनों अंकों से मिलकर बनी वाली संख्याएं अगर आठ से कटेंगी तो पूरी संख्या आठ से कटेगी। काट के देख लो, आठ चौक बत्तीस हो जाएगा, तीन फिर आठ चौक बत्तीस, कटेगा। यानी कि आठ से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। तो इस तरह से ये सब विभाज्यता नियम का ही खेला है। इसमें आप ट्राई कर लेना जितना भी दिया गया है, और इसमें भी बता देना, चलो सी वाला लिख लो, इसमें भी बता देना ये आठ से कटेगी और चार से, दोनों में से हाँ या नहीं बता देना बस, ठीक ना, लिख लो, बताना ज़रूर, नहीं बताओगे तो फिर गड़बड़ है, जान लो, ठीक ना। जैसे मैंने बताया चार से कटेगी हाँ, आठ से कटेगी हाँ, वैसे बता देना सी वाले में, चार से यस आठ से नो, चार से यस आठ से नो, ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ इसे या यस या नो बोल देना, बस तरीका बता रहा हूँ, जिसमें जो होगा वही बताना, ठीक ना, बात पक्की, आगे बढ़ सकते ना हम सब अब, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है, हाँ तीसरा मैं कह रहा साथियों कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं छः से पूर्णतः विभाज्य हैं और कौन सी नहीं हैं। इसी में तीसरा क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, तीसरा कह रहा कि कौन सी संख्याएं छः से पूर्णतः विभाज्य हैं और कौन सी नहीं हैं। तो देखो यार, जो छः का विभाज्यता नियम होता है उसका पालन जो जो करेगी वो होगी, और जो नहीं करेगी वो नहीं होगी। तो विभाज्यता नियम तो आपको आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लो, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं छः से विभाज्य हैं। उनतीस इकहत्तर चौवालीस पहला है, बताओ अब ये छः से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखो यार, छः का विभाज्यता नियम होता है जो संख्याएं दो और तीन दोनों से पूर्णतः विभाज्य होती हैं वो छः से भी विभाज्य होंगी अन्यथा नहीं होंगी। तो क्या करोगे इसके लिए भाई साहब, दो से कटेगी ये कि नहीं कटेगी पहले ट्राई करो। हाँ कटेगी, क्यों, आँख बंद करके बोल दो, क्योंकि लास्ट में फोर है। तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि अभी इसको जोड़ना है। तो जोड़ लो, चार चार आठ एक नौ, नौ सात सोलह, सोलह नौ, सोलह नौ कितना हुई भाई, सोलह चार बीस, पाँच पच्चीस, पच्चीस दो सत्ताईस, जोड़ने के बाद सत्ताईस आया, इसका मतलब तीन से कटेगी। तीन से भी कट रही, दो से भी कट रही, अतः ये संख्या क्या होगी, छः से भी कटेगी। यस, बस यही तो चेक करना ना यार, विभाज्यता नियम ही तो आपको आना चाहिए। इसी तरह से बी वाला लाओ, चेक कर लेते हैं, ये है बारह अट्ठावन, भाग नहीं देना है, नहीं लंबा वाला प्रक्रिया करने लगो, भाग दोगे तो बुढ़ा जाओगे, इतना बड़ा बड़ा सवाल है, केवल मेथड आना चाहिए। नहीं आ रहा कमेंट करके बताइए, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए, क्लास को पूरा देखिए, रेगुलर देखिए, कोई क्लास को स्किप मत करिए। हाँ कुछ लोग ज़्यादा चालाक बनते हैं, भागा भागा के देखते हैं, तो फिर वो भागते ही रहते हैं लाइफ में, तो भागा भागा के मत देखो, एक तरफ से सीरियल से देखो, बकैती तो नहीं कर रहा हूँ ना। दो से ट्राई करो, बिल्कुल राइट है, तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, जोड़ो इसके लिए, तीन पाँच आठ, आठ सोलह, नहीं कटेगा तीन से, यानी ये संख्या छः से भी नहीं कटेगी। फिर भाग दे के देख लो, डंके के चोप पे बोल दो कि नहीं कटेगी छः से ये, क्यों, क्योंकि ये दोनों से नहीं कट रहा है। ये लो छः से भाग दे लो, छः दूना बारह, घटा लो जीरो, ऊपर पाँच आ गया, भाग नहीं जाएगा, जीरो बार जाएगा ना, जीरो बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा, फिर पाँच आया आठ, फिर दशमलव बढ़ा लो आप चाहे तो, लेकिन दशमलव क्यों बढ़ाओगे यार, दिमाग उमाग नहीं चल रहा है क्या, चलना चाहिए ना। तो कितना जाएगा अब ये, छः नवाई चौवन, हाँ क्या और जाएगा, हाँ नौ छंग चौवन, तो नौ बार जाएगा, नौ बार ले जाओ 54 आएगा। देखो ये कटा नहीं कटा, ये चार से शेषफल आ गया, इस कारण से ये संख्या जो है वो नहीं कटेगी। इसी वाला में बताओ, चलो छः से कटेगी कि ना कटेगी ये बताना है बस,
तिरालीस पैंतीस है। चलो जल्दी से लग जाओ फटाफट, हाँ या नहीं बोलो, छः से कटेगी कि नहीं कटेगी भाई, बोलो नया ट्राई तो करो। देखते हो तो कुछ रिप्लाई करो तब मज़ा आता है, चुपचाप मुंह बंद करके देख लेते हो ना तो फिर वैसे मज़ा बिल्कुल नहीं आती है। इन सभी नंबर को आप ट्राई करना, 90 13 52, और कौन कौन छः से कटेगी, कौन कौन नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो काहे नहीं कटेगी, ये सब लिख के बताना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लिख लो, ये हो गया, दूसरा आपका हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथा कह रहा था कि विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हुए बताइए कौन कौन सी संख्याएं 11 से कटेंगी, यानी मैंने पढ़ाते समय जो आपको विद्या बताई थी ना वही विद्या को लगाना है। देखो यार, मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर समझना है तो सीरियल से देखो, इसीलिए तो अब 11 का विभाज्यता नियम जिनको आता है वो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ले जाएंगे, जैसे 3 कर लिए, और जिनको नहीं आता वैसे चट्टा गट्टा इस देखते रहेंगे बैठ के, बस बात समझ रहे हो ना। अरे ये सब हमारे गुरुजी बोला करते हैं, पहले कुछ बातें हैं जो कि टाइम नहीं ज़्यादा बताने का। चलो क्वेश्चन फिर से सुन लो, चौथा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य हैं ये बताना है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो भी सुन लो यार, काहे हिंदी में बक्के इतना देर से। इंग्लिश में कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11। एक बार फिर से सुन लो, यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11, मतलब वही हिंदी में जो बोला था मैंने कि विभाज्यता नियम का प्रयोग करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। 54 45, पहला नंबर का है भाई 54 45। 11 से विभाज्य होने के लिए एक लफड़ा मैंने आपको याद दिलाया था शुरू में, वो कहा था कि इकाई अंक से चलने पर बाईं तरफ सम संख्याओं को जोड़ो जो सम स्थान पे हैं, और जो विषम स्थान पे हैं उनको घटाओ, तो या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तब ये मानेगा बंदा, वरना मानने वाला नहीं है, ठीक ना। तो चलो सम और विषम स्थान में आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, है ना। चलो देख लो भाई, काहे को बह रहे हो यार, 1 2 3 4, देखो ये विषम स्थान है, ये विषम है, ये सम है, ये सम है, तो विषम विषम पर क्या है, देखो विषम वाला मैं जोड़ लेता हूँ पहले, चलो 5 और ये 4 4, यानी विषम स्थान का जो योग है 9 हो गया। सम वाला जोड़ो, सम वाला में देखो 4 है, एक ठीक का है 5 है, ये भी 9 हो गया, यानी सम और विषम दोनों का जो योगफल है वो 9 आ रहा है, 9 में से 9 घटाओगे 0 आएगा, यानी इस तरह से ये संख्या 54 45 ये 11 से पूरी तरह कटेगी, पूर्णतः विभाज्य होगी, लिख दो। हाँ तरीका आप समझ रहे हो ना विभाज्यता नियम वाला, नहीं समझ रहे हो तो फिर ना आएगा सवाल, मैं बार बार बताता हूँ इसीलिए एक ही बात आपको पकाता रहता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्या क्या होना चाहिए कंडीशन 11 से कटने के लिए, सम स्थान, देखो सम स्थान का मतलब ये नहीं कि मैंने इसको 1 और 3 जोड़ दिया था, नहीं जोड़ा था, 1 के सीधे पर जो अंक था ऊपर 5 जोड़ा था, और 3 के सीधे पर जो था 4 इसको जोड़ा था, ये तरीका होता है, फिर बाद में घटाया था उसी तरह से विषम वाले को जोड़ करके। तो इसी तरह से इसमें का आप लोग बी वाला करना और बताना, का कह रहा है 10 824, सी वाला भी कर लो बाबूजी, 71 38 965, ये नंबर बड़े हैं या छोटे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, दोनों के लिए मुसीबत है, बड़ा छोटा दोनों के। इसमें ट्राई करोगे तो क्या होगा, सम स्थान के अंकों का योग जोड़ो, विषम स्थान के अंकों का योग घटाओ,
मतलब जोड़ करके दोनों को जोड़ना, अलग अलग फिर घटाना है। तो चलो जोड़ लो, 4 8 12 1 13, ये कौन सा हो गया विषम वाला। सम वाला जोड़ लो, 2 आया, यानी 11 आ गया फाइनल में। 11 मैंने कहा था, या तो 0 आया या तो 11, 22 33 44 45 44 55 66 ऐसे कुछ आए। इसका मतलब ये भी 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ये भी विभाज्य होगी। इसमें भी ट्राई कर लो यार, ये लो, ये 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 नंबर में अंतर के लिए मैं दो तरफ मार रहा हूँ लाइन इधर उधर। इसको जोड़ लो, 5 9 14, 14 3 17, 17 7, 17 3 20, 4 24 आया। विषम वाला 24 आया, सम वाला भी जोड़ लो घटा लो, जोड़ लो 6 8 14, 14 1 15, 15 घटाओगे साहब का आएगा 9 आएगा, 9 नहीं कटेगा 11 से, या तो 11 का गुणा जाए या 0 आए, यानी कि ये संख्या 11 से कभी नहीं कटेगी। हो गया ना तरीका, समझ गए ना, हो गए माला माल ना। तो फिर अब बत आगे मत पढ़िए, बस आज के लिए इतना ही ख़त्म कर दें। एक ठे और दे दें, पाँचवा भी कर लो यार, छठवा कर लो, ख़त्म है हो जाए, का है लिए फिर लफड़ा बचा रहे। चलो छठवा देखो जल्दी से, छठवा का कहता है ध्यान देना। छठवा पहले पाँचवा देख लो, पाँचवा देख लो, तो ये 3.3 का पूरा समापन कर दिया जाए। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 NCERT बुक कक्षा 6 की बुक है ये। पांचवा सवाल कह रहा कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए, कहने का ये मतलब है, एक बार फिर से सुन लो सवाल। तीसरा कह रहा है, सॉरी तीसरा नहीं यार, पांचवा सवाल, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य हो। और लिखा कहा है मां 67 24, पहलम का लिखा है 67 24, यहाँ पर सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा अंक भरिए जिससे संख्या 3 से पूरा कटे। 3 से कब कटेगी? 3 से तब कटेगी जब इन सभी संख्याओं के अंकों का योगफल जोड़ने के बाद जो संख्या आए वो 3 से कटे। जैसे अभी जोड़ो तो 13 6 तो कह रहा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक यहाँ भरो। तो देखो यार, सबसे बड़ा अंक सबसे छोटा अंक कहने का मतलब ये है कि कोई दो अंक यहाँ भर दो जिससे कि 3 से कट जाए, वो नहीं वैसे भी नहीं कटेगी 3 से ना। तो बस आप समझ गए हो, पूरा मतलब आप समझ गए हो, है ना। चलिए जल्दी नोट करो पहले इतना, तब फिर हम आपको बताएंगे आगे। हो गया, चलिए देखिए, ध्यान देना, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम क्या रखें कि 3 से कट जाए। सबसे छोटा मतलब इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो संख्या है वो 3 से कटे। देखो यार, अगर एक जोड़ोगे 20 आएगा, 20 तो कटेगा नहीं 3 से ना। अगर इसमें हम दो जोड़ दें तो 21 आएगा, 21 3 से कट जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पे क्या होगी, वो 2 होगी। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो वहाँ पे रखा जाए और 3 से कट जाए। देखो, लार्जेस्ट डिजिट जो है वो क्या होगा, यहाँ पर आप जान रहे हो कि एक ही अंक रखना है, ये भी बात है। एक ही अंक रखना, ये मत सोचना 18 रख देंगे 28 रख देंगे, एक ही अंक रखना है। तो एक अंक मतलब, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, 9 है ना। तो 19 में जब 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ना होए 28 आएगा, 28 तो 3 से कटता ही नहीं, 28 तो 3 से कटता ही नहीं है, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 19 प्लस 8, यानी कि 8 होगा अगला जो बड़ा डिजिट होगा, क्या होगा, 8 होगा। यानी कि सबसे छोटा जो डिजिट यहाँ रखेंगे वो 2 और सबसे बड़ा क्या है, 8। इस तरह से ये संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी, बात समझ गए ना। तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से 2 आंसर बन जाएंगे। आप इन्हें लिख सकते हो कि सबसे छोटी संख्या जो है वहाँ पर जो भरोगे, सबसे छोटा डिजिट 2 होगा, सबसे बड़ा डिजिट 8 होगा, ठीक ना। इस तरह से बी वाला भी कर लेना, बी वाला का कहता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चुपके से, ध्यान से देख लो बस, आ जल्दी से।
कह रहा 47 और 65, फिर 2 है लास्ट में। क्या है 47 65 लास्ट में कहा है 2। इसमें भी वैसे ही जोड़ना है, जोड़ लो 5 2 7 6 13, 13 7 20 4 24 आता है ना। 24 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए। देखो यार 24 में पहला नंबर तो 3 जोड़ोगे 27 होगा, 3 से कट जाएगा। उसके बाद और कौन बड़ा अंक जोड़ोगे 24 में? अगर 24 में 9 जोड़ोगे तो 33 होगा, बिल्कुल हो सकता है, यानी 3 और 9 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 3 और 9, बताओ जल्दी सही गलत। बिल्कुल राइट, ठीक है चलो लिख लो जल्दी से। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, वो कहा है 3 और 9 तो आप लिख सकते हो, छोटी छोटी बोला था तो 0 भी हो सकती है, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद 24 आ रहा है, 24 ऑलरेडी 3 से कट रहा है, मतलब ये ना बढ़े तब भी काम चल रहा है। तो ना बढ़े मतलब क्या है, सबसे छोटा 0 भी रख सकते हो, यानी इसका आंसर 0 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, छठवा का कहा था भाई, छठवा कह रहा निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सुन लो, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सुन लीजिए क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, और बना है जो स्ट्रक्चर वो क्या है 92 और 389 है। तो साथियों छठा सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें क्या भरोगे जरा देखो, यहाँ पर कोई एक अंक रहेगा, क्या रहेगा, और वो अंक लिखने के बाद संख्या 11 से कट जाए। 11 से संख्या तभी कटती है जब दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं तरफ चलने पर सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों के योगफल के जो है वो घटा दिया जाए, जोड़ करके दोनों को अलग अलग जोड़ा जाए, घटा दिया जाए तो 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए। तो चलो जोड़ लेते हैं विषम वाला, देखो ये विषम है ना, विषम वाला क्या है 9 3 9 3 12 12 2 14 कितना आया 14 ना, जोड़ लो जल्दी से। तो साथियों इस तरह से ये हो गया 14। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, वो क्या है कि अगर आप सम वाला जोड़ोगे इस तरह से तो देखो सम वाले में ही अटक जाएगा, क्योंकि सम वाले में इसकी जगह खाली जगह है, मान लो इसको ए मान लेते हैं, तो ये तो 14000 अभी सम वाला जोड़ लो, 3 और 9 9 3 12 12 2 14। देखो ये विषम एक पकड़ा फिर एक छोड़ा फिर एक पकड़ा फिर एक छोड़ा फिर एक पकड़ा फिर एक छोड़ा, ठीक है तो इसको जोड़ोगे तो क्या होगा भाई साहब 8 और A और 9 17+A क्या होगा 17+A। यानी कहने का ये मतलब है साथियों कि हम A की जगह पर क्या रख दें और उसमें से 14 घटा दें कि या तो 0 आ जाए और या फिर क्या आ जाए 11 आ जाए 22 आ जाए 33 44 कुछ भी आ जाए। वो कौन सा तरीका पता है आपको? वो तरीका ये है कि जब हम एक ही जगह पर मान लो एक रख देते हैं तो 18 हो जाएगा, है ना, एक रखोगे इस पे तो 18 हो जाएगा, 18 14 घटाओगे 4 आएगा जो कि बिल्कुल 11 से कटेगा नहीं, गलत है। 2 रखो 3 रखो इस तरफ ट्राई कर लो, 11 यानी कि 14 किसमें से घटाएं 11 आ जाए, ये सोचो वही संख्या बनाना है वहां पे। तो आप देखो देखो क्या करना है, 11 लाना है 14 अगर घटाएं किसी संख्या से तो 11 आ जाए, उसके लिए वो कौन सा होगा 5 2 यानी 25। कहने का मतलब हमें 17 को 25 बनाना है, तो भाई साहब इसकी जगह पे आप 8 रख दो 8 यानी एक जगह क्या रखोगे 8 रखोगे 25 हो जाएगा, 25 में से 14 घटाओगे 11 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 8 हो जाएगा। बात समझ गए ना, सोच के बनाना है, विभाज्यता नियम है ये। तो साथियों इस तरह से ये आपका खत्म हो चुका है, और कमेंट करके अपने विचारों को बताइएगा अगर आप इसे कहीं भी डेमो देख रहे हैं तो। हम फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई क्लास लेकर के, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें PBR स्टडी के साथ। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई उठक पटक है तो आप निसंकोच पूछें, बिल्कुल पूछें। आपका कोर्स ख़त्म करने की हमारी जिम्मेदारी है, अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी यूट्यूब पर ऐसे ही, अगर आपने नहीं किया है तो कर लें जिससे कि आप मैथ को शुरू से सीख पाएँ अंत तक, और गारंटी हमारी होगी, ठीक ना। इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं 7 8 4 3 8 3 3 3 9 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच। जय हिंद। चलते चलते विनम्र निवेदन और प्रार्थना होगी, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें।